गोपालगंज में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने अपनी पढ़ाई और कार्यशैली के अंदाज से स्कूल का माहौल ही बदल दिया। कुचायकोट प्रखंड के हजारीमल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 2 साल पहले छात्रों की संख्या 1800 थी, वहीं प्रिंसिपल की पढ़ाई के बाद स्कूल में छात्रों की संख्या सीधे डबल हो गई और स्कूल की छात्रा नेहा कुमारी ने जहां इंटर में पूरे बिहार में टॉप किया, वहीं कई छात्र जिला टॉपर बनकर निकले हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश। आज हम गोपालगंज के एक ऐसे स्कूल के बारे में बात करेंगे जिस सरकारी स्कूल ने पढ़ाई में एक फिजा बदल दी है। अभी हम कुचायकोट प्रखंड के बलिवंत सागर में हैं और यहाँ पर हजारीलाल इंटरमीडिएट स्कूल है जहाँ पर कि पहले बच्चों की संख्या 1800 थी, लेकिन अब बच्चों की संख्या करीब 3000 है। अभी हम स्कूल के कमरे में हैं और देखेंगे यहाँ पर क्लासेस चल रहा है और जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं संजय कुमार, बताया जाता है कि उनके कार्यकाल में बच्चों की पढ़ाई इस कदर बेहतर हुई कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो लगातार जो बिहार में मैट्रिक की परीक्षा होती है, इंटरमीडिएट परीक्षा होती है, वो टॉप कर रहे हैं और नेहा जो 2020 के जो टॉपर है बिहार की, वो इसी स्कूल का प्रोडक्ट है। और देखें यहाँ पर कि जो स्कूल में जब पहले बच्चों की संख्या कम थी, अब कैसे संख्या बढ़ी है। और क्लास में जो सरकारी स्कूल है, माना जाता है कि वहाँ पर बच्चों की उपस्थिति काफ़ी कम होती है, बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे ज़्यादा पढ़ने आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर कि प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर बच्चों ने जो है सरकारी स्कूल की तरफ रुख किया है। और देखें यहाँ पर कि बच्चों सभी बच्चे जो यूनिफॉर्म में है और जो सीमित संसाधन है, इसी संसाधनों में कैसे यहाँ पर एक बेहतर पढ़ाई का माहौल बना है। जब हम 2019 में यहाँ का प्रिंसिपल बने तो बच्चे उस समय भी आते थे, लेकिन थोड़ा सा ड्रेस मेंटेन हल्का फुल्का नहीं था। हमने ड्रेस मेंटेन को फिट किया, सारे क्लासरूम में हमने फैन लगवाया, हर चीज़ व्यवस्था किया। और मेरा प्रयास रहा कि जो मेरे पास सीमित संसाधन है उस सीमित संसाधन से बेहतर रिजल्ट दूँ। और एक और मेरा सपना है कि जैसे कि मेरे स्कूल का हमेशा से बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉप, या फिर 2020 में मेरे स्कूल की एक बच्ची नेहा कुमारी ने इंटर संकाय में पूरे राज्य में टॉप कर दिखाया। उसके बाद से यह सिलसिला पिछले साल भी कायम रहा। मेरे स्कूल का दीपू कुमार सेकेंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा साइंस में, और इस साल भी 2022 का जो इंटर का साइंस का एग्जाम होगा, मुझे कॉन्फिडेंट है, माइक पे बोलते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि मेरे विश्वविद्यालय का एक बच्चा सचिन कुमार पांडे, वो स्कूल का कम से कम मुझे उम्मीद है कि 1 to 10 में जरूर रहेगा। स्कूल के जो प्राचार्य हैं, इन्होंने स्कूल की ऐसी फिजा बदली कि बच्चों का जो पढ़ाई का माहौल बदला। मैं एक लड़की, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मन्नू कुमारी। तो मंजू, आप स्कूल में कितने साल से पढ़ने आ रही हैं? 9th क्लास से। तो अभी यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है, कैसा माहौल है यहाँ पढ़ाई का, और जिस तरह नेहा ने टॉप किया, क्या लगता है आपको कि आप भी कुछ करना चाहती हैं? यस, यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, इसलिए मैं 9th क्लास से यहाँ से एडमिशन ली। संजय सर अभी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के सारे व्यवस्था अच्छे से रखते हैं।